समय साराय स्वाद्याचकास्ते चेस्वाय भावाय सर्वातरच जिसको कह वो ही पढ़ लीजिए। ज्ञानमय आत्मा राग से शून्य है, ज्ञानमय आत्मा रोग से है रही। जिसको कहता तुम रख बड़ा रोग है, वह तो बुद्धगल की क्षण वर्ती पर आए। जिसको कहता तू बड़ा रोग है, देह के रोग को तू बड़ा रोग कहता है, देह के रोग को फांस तनक सी तन में एक जरा सी फांस पैर में लग जाती, फिर देखो एक जरा छाला पड़ जाए ना जरा सा, अरे और छोड़ो शादी विवाह में थक गए हो, थोड़े पैर भर गए हो, थक गए इतने में ही लगता आप भैया आराम कर लें, प्रवचन तो जिंदगी भर सुनेंगे, आज तो थकान है। ये बड़ा रोग है क्या? ये बड़ा रोग है, ये तो खुद गल की परे आए, ये तो खुद गल की पर्याय है। अब चर्चा तो वैसे देखा जाए कुछ खास नहीं है इसमें, और देखा तो बहुत है इसमें, बहुत है इसमें। क्यों तुम्हें लगता है फुदगल की पर्याय? गर्म होना भी एक रोग है, ठंडा होना भी एक रोग है, शरीर का कठोर होना भी रोग है और शरीर का नरम हो जाना भी रोग है। शरीर का कौन सी अवस्था है जिसमें रोग नहीं, सोचो। ये फुदगल की पर्याय है। हर आदमी दुखी है बीमारी से नहीं, कल्पनाओं से। रोग तो तुम्हारी भाषा में कह रहे, रोग तो कदाचित कभी कभी होती, लेकिन ये सदा कल्पना से दुखी है। बोलूं फिर से बोलूं, क्या कह रहे हैं हम? सदा कल्पना से दुखी है, खुद ही कल्पना करता रहता हम दुबले, खुद ही कल्पना करता है मोटे, खुद ही कल्पना करता हमारे दांत खराब है, खुद ही कल्पना करता हमारे बाल खराब है, खुद ही कल्पना करता है हम वजन बढ़ रहा है, खुद ही। कितने प्रश्न हो सकते हैं दिन भर में पूरे शरीर को लेकर के। एक काम करो, तुम दर्पण के साथ बैठ के देखो सामने, कभी देखो गौर से, तो तुम्हें झट लग रही, मेरी आँख ठीक नहीं, मेरी नाक ठीक नहीं, मेरे दांत ठीक नहीं। विदेशों में तो बहुत रोग है, करवाते ना प्लास्टिक सर्जरी, नाक की 50 बार सर्जरी करा ली, कैटलॉग होता है कैटलॉग नाक का, तो अब पसंद करते हैं उन्हें कौन सी नाक बनवानी है, और फिर कैंसर होकर मर गए। ऐसे पूरे शरीर की कल्पनाओं में प्लास्टिक सर्जरी जितनी हो रही है वो इसी कल्पना में। लड़का इसलिए दुखी है कि मैं लड़का हूँ, वो लड़की बन गया। लड़की इसलिए परेशान है कि हम लड़की हूँ, लड़का बन गया। है क्या ये?
प्रभु संतोष है, एक सेकंड भी, एक समय भी ये अपने से संतुष्ट नहीं। मोह की पहचान क्या बोली थी? जो प्राप्त है उसमें संतोष नहीं है। मोह की पहचान जो प्राप्त है उसमें संतुष्ट नहीं है। शरीर की बात चल रही थी, अभी शरीर की कह रहे हैं हम, हमारी फिगर ठीक नहीं है। आदमी को लगता है हमारा पेट बाहर है, हमारी क्या 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 कल्पना है, ये सारी सारी शरीर। अब शरीर छोड़ दे, क्षयोपशम से संतुष्ट नहीं है, ये मोह है। जितना क्षयोपशम है सम्यक दर्शन के लिए पर्याप्त है। क्या कहूँ मैं आपको, आपको पकड़ो तो एक सेकंड में अभी सम्यक दर्शन हो जाए। अब भी तुम्हें सम्यक दर्शन क्यों नहीं हो रहा पता है? क्योंकि तुमने हमें देख लिया। ओ पंडित जी को तो क्षयोपशम, एक एक शब्द में से कितने निकाल ली, और जी एक एक लाइन में से कितने निकाल ली। अब मारे गए तुम। कितना क्षयोपशम चाहिए पता है? कि होते हुए प्रत्येक राग को, द्वेष को, विकल्प को, पर्यायों को, क्षयोपशम को भिन्न देखे, बस इतना चाहिए सम्यक दर्शन के लिए। क्षयोपशम बस, जो हो रहा है वो भिन्न देखे बस। सरल दृष्टान सम्यक दर्शन के लिए, सरल दृष्टान। 6 महीने का बच्चा अपनी माँ को पहचानता है, लेकिन डिटेल नहीं जानता, नाम नहीं जानता, वजन नहीं जानता, रंग रूप नहीं जानता, किसकी पत्नी है ये नहीं जानता, मेरे पिता का नाम क्या है ये नहीं जानता, दादा दादी नाना नानी का नाम क्या है पता नहीं है, किस घर में रहता हूँ पता नहीं है। उससे पूछा भी नहीं कि तुमने कैसे पहचाना कि तुम्हारी माँ है, तो ये भी नहीं बता सकता कि कैसे पहचाना। 6 महीने के बच्चे समझ गए होंगे, बुआ ले रही तो रो रहा है, चाचा लो रहे ले रहे तो रो रहे, पापा ले रहे तो रो रहे, और मम्मी ने लिया तो चुप। देखा कभी? बताओ हम उसे पूछें 6 महीने के बच्चे से, तूने कैसे है पहचाना कि मेरे पास इतना ही क्षयोपशम बहुत है कि मेरी माँ माँ है, बस समझ में आ गया। इतना क्षयोपशम चाहिए कि होती हुई पर्याय भिन्न देखे बस। सूक्ष्म बात कह दी कुछ, होती हुई पर्याय। अब विकार नहीं कहा मैंने, अब विकार नहीं कहा मैंने, अब होती हुई पर्याय कहा। संवर निजरा मोक्ष की पर्याय भी भिन्न भाषित हो जाए तुझे, बस इतने क्षयोपशम चाहिए बस। कैसा हो तो सिद्ध करना पड़ेगा, वो तो नहीं, तुझे सिद्ध नहीं करना, वो सिद्ध है। भिन्न करना नहीं है, सिद्ध है, भिन्न है वो। सारा विश्व क्यों परेशान है बता दूं? मोह से। ये तो तुम समझ गए हो, अभी नहीं समझ में लगे, मोह सूत्र है, थोड़ा समझ में नहीं आता। पर्याय में अपनी नहीं चलती इसलिए दुखी है। मोह से माने ये पर्याय में अपनी चलाना चाहता है, विकारों में, विकल्पों में, राग में, द्वेष में, पर्व में, परद्रव में। परद्रव माने पर्याय, विश्व की समस्त पर्यायों में चलाना चाहता है और चलता है ही नहीं। पूरा विश्व से पूछो क्यों तुम दुखी क्यों? क्या बताऊं, बस क्या बताऊं जो आज से भी, मेरी पत्नी मानती नहीं है तो पत्नी क्या है? पर्याय। मेरा शरीर साथ नहीं देता है तो कौन पर्याय? मेरे विचार साथ नहीं देते, मेरे अनवांटेड थॉट्स आते हैं, मैंने कौन पर्याय? मैं सम्यक दर्शन चाहता हूँ, होता ही नहीं है पर्याय। केवल ज्ञान हो जाए तो मजा आ जाए पर्याय। वर्ल्ड व्याप, हाँ पूरे विश्वव्याप की समस्या क्या है? मोह। और मोह का, मोह से समझ में नहीं आता तुम्हें? हाँ बोलो, क्या नाम बोला हमने मोह के नाम पे? क्या रखा मैंने? पर्याय मात्र का कर्तत्व ये मोह है, और पर्याय मात्र का कर्तत्व टूट गया सम्यक दर्शन हो गया। क्यों तुम्हें समझा क्या नहीं रहे? अरे ये सब समझ के पेड़ ने अपने समय से समझेंगे। बहुत सिंपल बात है, क्यों तुम्हारे घर में 5 बच्चे हैं तो तुम 5 बच्चों को MBBS क्यों नहीं करा रहे? करा दो MBBS भैया, 5ों की योग्यता अलग अलग है तो बोलो तकलीफ नहीं होती ना फिर? और जो जो एक अहंकार करता है 5ों को डॉक्टर बनाऊंगा, बना सकते हो? योग्यता नहीं आ रही है भैया, क्या नहीं बना रहे? अरे उसका समय आएगा, उसकी योग्यता आएगी जब बनेगा। अभी नर्सरी लायक है, अभी नर्सरी पढ़ने दो उसे, ये 5वीं पढ़ने लायक है 5वीं पढ़ने दो, ये 8वीं पढ़ने लायक है 8वीं पढ़ने दो। हमारी नहीं चलाते ना अपन। बोलो सुखी कम होते हैं, सारे जगत में सुखी जीव का होता है,
जीव सुखी कब होता है? जब जब पर्याय में हस्तक्षेप नहीं करता। तुम्हें कब कब चैन मिलती है पता है? जैसे तुम टीवी देख रहे हो तुम्हें मजा आता है, तो कब तक? जब तक तुम हस्तक्षेप नहीं कर रहे, ओह यहाँ छक्का मार रहा हूँ, ओह आउट हो और ही मार रहे, ओह ओह फिर दुखी कब हो रहे हो? अरे शांति से बैठो, इसमें हमारी चलती मजा करो, देखना ही नहीं देखना, नहीं देखना बंद कर दे। सुखी कब तक होते हैं बोलो? जिसमें हम अपनी चलाते नहीं वहाँ वहाँ सुखी। फिर से कह रहे हैं मोह, मोह मतलब हाँ बोलो जल्दी समझ, रटने लायक बात है। हाँ किसी भी पर्याय में चलाना चाहता, किसी भी पर्याय में, किसी भी। स्वामी जी ने कहा एक पर्याय का कर्ता बनना पूरे विश्व का कर्ता बन गया। क्यों? जब एक में चल सकती दो में क्यों नहीं चल सकती? दो में चल सकती तीन में क्यों नहीं चल सकती? तीन में चल सकती चार में क्यों नहीं चल सकती? पूरे विश्व में अपनी चलती ही नहीं। अब मजा करो बस खत्म। रेलवे स्टेशन पर अपनी नहीं चलती, चलती है अब तुम जल्दी पहुंच गए मान लो, या गाड़ी लेट आ रही है तो तुम्हारी चलती तो नहीं है, शांति से बैठे हो। लेकिन अशांत व्यक्ति मालूम क्या करता है? अशांत, ये दो घंटा लेट क्यों आ रही है, दो घंटा लेट क्यों आ रही है? अब इधर से रेल आने वाली थी, बार बार यहाँ देखेगा हर दो मिनट में, इधर भी देख लेगा, ट्रेन इधर से आना तो भी इधर भी देख लेगा, फिर वो उसमें जाएगा क्या कह लेता वो पूछने के लिए वहाँ, फिर इंडिकेटर देखता फिरेगा। शांति से बैठ नहीं सकते, दो घंटे बाद आएगी इसी प्लेटफॉर्म पर आएगी, शांति से बैठे रहो, समझ में आ गया कि नहीं? वहीं कुछ लोग शांत बैठे रहते हैं। कौन कौन शांत बैठा है वहाँ और कौन कौन अशांत है? जो किसी तरह से एनी हाउ जल्दी आ जाए, जल्दी आ जाए, लड़ने पहुँच गया, लड़ने पहुँच गया, ट्रेन कैसे लेट हो रही है, रेल मंत्रालय कौन है, फला कौन है, अरे तू क्यों माथा मार रहा है, रेल आएगी। समझ में आ रहा है? मैं तो यहीं रुकने का मन कर रहा है, इतना आनंद का विषय है। तुम तब तब दुखी होते जब देह में अपनी चलाना चाहते हो, मन में अपनी चलाना चाहते हो, वाणी में अपनी चलाना चाहते हो, काया में अपनी चलाना, मत चलाओ। पंडित जी अब आपको कैसा लग रहा है? बढ़िया लग रहा है। कैसा? पंडित साहब से पूछा, पंडित साहब, पंडित साहब से सब लोग कहते थे पंडित साहब स्वास्थ्य का ध्यान रखना, कहते ही भी अस्वस्थ होने पर अपने ही कहते पंडित साहब स्वास्थ्य का ध्यान रखना। पंडित साहब बोले तुम्हारे कहने से ध्यान नहीं रख रहे, हमें पहले से ही ध्यान है। कहा ध्यान है कि जो हमारी पर्याय नहीं है, जो हमारा स्वास्थ्य नहीं है, इस स्वास्थ्य के कर्ता, इस बीमारी के कर्ता हम नहीं है, हमें अच्छे से ध्यान है। पंडित साहब कहते हैं अच्छे से ध्यान है क्या? ये तन हमसे न्यारा है, ये रोग हमसे न्यारा है, ये पंडमन होना है तो होगा, नहीं होना है तो बीमार, बीमारी कौन का, कौन की पर्याय है? पुद्गल की। अभी पुद्गल को तो घंटों प्रवचन हुए, ऐसा कहकर मैं चाह रहा हूं तुम लोग करो, अपने अपने करो। क्यों सोना पुद्गल है लगता है तुमको? सोना और पीतल है दोनों पुद्गल है लगता है? बोलो लगता है? बोलो क्यों? आपको हीरे के गहने दें और कांच के गहने दें कुछ लगता है? कहा फर्क पड़ो, दो ही पुद्गल की पर। अब बोलो, अब बोलो कहा फर्क पड़ रहा हो? बिना नमक की दाल और दाल की नमक की दाल कहा फर्क पड़ो? शांति से खा रही कहे तुम्हें फर्क नहीं पड़ो, हमने तो नमक डालो ही नहीं, तो कैसी बात नहीं, नमक भी पुद्गल है दाल भी पुद्गल है, बिना नमक की दाल भी पुद्गल ही है, क्या क्यों नमक डालने पर क्या फर्क पड़ जाता है दाल में? एक बहुत सच्ची बात है, सच्ची तो है ही नहीं, हम कह रहे हैं आप सबको एक भ्रम है कि घी खाने से फायदा होता है, दूध खाने से पीने से फायदा होता है, और मलाई खाने से फायदा होता है, वो इसलिए अपन चोरी कर लेते मलाई की, दूध में से ऐसा लगता है मलाई तो अपन ही खींचो, दूसरे को मलाई देंगे कि नहीं देंगे बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन ठीक है कोई बात। आचार्य देव अलग कुछ कह रहे, कर्णानी योग में अलग कुछ कह रहे, दूध में से चिकनास मिलती ही नहीं है, स्निग्धता मिलती ही नहीं, दूध में से नहीं मिलती है, तेरी साता बेदनी के उदय में और तेरी
बीज यात्रा का शोषण हो, ताकत शोषण हो और उनमें योग्यता हो घी बनाने की, उस दूध में से तो घी बनता है। तो योग्यता तो तेरी चाहिए, उदय तो तेरा चाहिए, दूध थोड़ी चाहिए क्या? त्रियंश गति में कितने जानवर घी खाते हैं बोलो भाई? त्रियंश गति में कितने जानवर घी खाते हैं? रबड़ी खाते हैं, बादाम खाते हैं, बोलो। तो क्या कह रहे हैं, सुअर में सबसे ज्यादा चर्बी पाई जाती है, और क्या खा रहे हैं वो तो तुम्हें पता ही है। बिल्कुल भ्रम है, जे खाएंगे तो हेल्थ अच्छी हो जाएगी, जे खाएंगे तो हेल्थ खराब हो जाएगी। कहा बताएं, बस कहा बताएं से शुरू होती स्टोरी, वो तो आपको पता ही हो गया। ससुराल में दूध पीवे तक नहीं मिल रहा, मत मिलने दे दूध। यदि तेरी योग्यता है, पुण्य का उदय है, साता का उदय है, तो पानी में से घी बनेगा। मैं नहीं कह रहा हूँ, ये साइंस कह रहा है, पानी में से घी बनता है। पानी में से कैल्शियम आ जाएगा, तुम्हें जरूरत होगी तो। कई लोग ऐसा करते हैं, कैल्शियम कमी पता है डॉक्टर, कैल्शियम कम है तो कैल्शियम खाने लगती हैं, गोलियाँ खाने लगती हैं। भले वो कैल्शियम हड्डियों में से लिया जाता है, ध्यान रखना कैल्शियम हड्डियों में से आता है, दवाइयाँ आती हैं खा लेता है, डॉक्टर ने कही ये कमजोर हो जाएंगे। कभी हड्डियाँ मजबूत करने के लिए कैल्शियम मत खाओ, प्रतिज्ञाओं में दृढ़ हो कैल्शियम बनने लगेगा। सट आवश्यक में दृढ़ बन जाओ कैल्शियम बनने लगेगा, बनेगा देख लेना। अब हम कहाँ तक सुनाएंगे अभी? अरे तेरा रोग व्यक्ति कल्पना ही व्यर्थ है, पुद्गल की पर्याय है, पुद्गल की पर्याय समझ गए। हमें अचंभा नहीं है कि पानी में से घी बन गया, क्योंकि पानी और दूध दोनों की पुद्गल की पर्याय है। तेरी योग्यता होगी तो पानी में से भी निकल आएगा। मैं अभी ज़्यादा नहीं बोलना चाह रहा, बहुत बोल सकता हूँ बहुत। दुनिया में एक भी चीज़ की जरूरत नहीं पड़ती। पंडित साहब ने मुझसे एक बहुत अच्छी बात कही, सुमन कभी तुम बीमार हो जाओ और कोई तुम्हारे पास ना हो और कोई वैद्य भी ना मिले, डॉक्टर भी नहीं मिले, तो तुम क्या करोगे? प्रश्न समझ में आ गया? तो अब मैं क्या कहता, मैं क्या करूँगा? पंडित साहब ने बोला, बेटा तुम केवल प्रासव जल पी लेना और नमोकानंद पढ़ लेना, तुम स्वस्थ हो जाओगे। मैं अभी बीमार था ना जब शिवपुरी में, तो वैद्य ने देख करके इतनी सारी दवाई लिख दी थी, इतनी सारी हम बता नहीं सकते, दुनिया भर की लंबा पर्चा दे दिया। अब बड़ी परेशानी, इतनी सारी दवाइयाँ खाएं कहाँ से, लाएं कहाँ से, बनवाएं, बाजार की रेडीमेड लेना नहीं उनमें असोचता है। और हमने तो सोच ली हम नहीं खाएंगे दवाई, मैंने इनसे कह दी नहीं खाएंगे, कहें कि हमारे पास कोई अनुभव भी तो नहीं, अब बच्चे हैं, इनने खुदी दवाइयाँ नहीं देखी। फिर तीन बार धो, फिर सुखाओ, फिर कूटो पीटो, फिर उन्हें उबालो, फिर उनकी एक ग्राम, एक दवाई ऐसी खानी थी जो 40 खुराक में 1 ग्राम डलना थी, कुल 40 खुराक में 1 ग्राम। अब बता लो बड़ी आफत, कहाँ से मंगाओ 1 ग्राम बताओ 1 ग्राम, और फिर कूटो पीटो 40 में करो। ये भगवान मेरी बड़ी आफत हो गई, मैं रहने देता हूँ। मेरा तो एक बार मन ही कर लिया कि जो रेडीमेड है कछू अच्छी कंपनी वो खा ले, लेकिन कहने भाई साहब उनमें शंख डला है, उनमें फला डला है, उनमें 1 इंदी 2 इंदी का कलेवर है, हम तो नहीं देंगे। मैंने बहुत बढ़िया बेटा, फिर कुछ नहीं करा सही में, कुछ नहीं कर भी, सब दवाई में पोटला तो बोले एक तरफ धरो, अभी भी धरी मेरे पास, देख लियो आगे अभी भी रखा है, वैसा वैसा छुआ ही नहीं उसे। बस मैंने भक्ति शुरू की भगवान की, ओनली भक्ति, और कुछ नहीं करा, भक्ति शुरू की, और जो साधारण खा पी रहे थे, जो खा रहे थे उसी में से सही हो गए। क्यों? बीमारी दवाइयों से दूर नहीं होती। कर्णालियों में निमित्त है तो साता बेदनी है, साता बेदनी होने पर जो खाओ, पंडित बनारसी दास जी का आता है, वे मोती झरा हो गया था, मोती झरा वो बहुत ही कमजोर हो गए थे, और डॉक्टर ने कही रोटी मत खाइयो, मोती झरा में रोटी मत खाइयो। अभी 1 दिन 2 दिन 1 महीना हुआ, वो डॉक्टर कह रोटी मत खा, कह रहे ऐसे ही मर जाए तो वैसे ही मर जाए। अब रात को सासू सो गई, पत्नी सो गई, खूब सारी रोटियों जितनी बची थी संजा की रखी थी, ना सब्जी ना चटनी ना नमक ना कच्छू,
कसी रोटी बच गई होंगी माँ में टिफिन में, तो गए चुपचाप खोल रही और रात को ही खा गए सारी रोटी, खा गए रूखी पानी पी गए, एक मटका जितना पियो हुई मतलब पानी रूखी रोटी खाई पानी पिया और जाके सो गए। अब अपन सोए मर जाएंगे बिल्कुल शांति से सो गए, मैंने पक्का विश्वास था कि मर जाएंगे क्योंकि डॉक्टर ने तो कहा ही था बेद नहीं तो मर जाओगे यदि रोटी खाओगे तो। अब कहते मरना तो है ही, ऐसे खाओ तो खा के ही मरो, खा के मरेंगे अपन। सुबह उठे सासू ने उठाए कहे ए हम जिंदा हैं, कहे जिंदा हो में क्या बात, भले चंगे बढ़िया। तब हमने कहा हमने तो रात को सबरी रोटी खा ली पानी पी लिया। अरे जब योग होता है ना तो जो खा लेते भाई में से सही नहीं। मैं कुछ इसलिए बात कर रहा हूँ ध्यान से सुनना, ब्रह्मचारी त्यागी व्रतियों को तो बहुत ही काम आएगी और तुम त्यागी व्रतियों में आओगे सब। हमें समाधि मरण के समय सबसे ज़्यादा चिंता यही लगती है कि बार टाइम का हुई, मरते समय का हुई, ये क्या दवाई लें नहीं लें, क्या करें क्या नहीं करें। जैनोपैथी इतनी बढ़िया मिली हमें, इतनी बढ़िया मिली है, इतनी बढ़िया कि मैं कुछ कह ही नहीं सकता। जब से जैनोपैथी समझ में आई हमें समाधि मरण आसान दिखाई देने लगा, हमें दवाई लेना ही नहीं, ये सिद्ध हो गया। हमें एलोपैथी हो चाहे आयुर्वेदिक हो दुनिया की कोई दवाई लेना ही नहीं पड़ेगी, हमारा इलाज ही जिन भक्ति निर्दोष सटावश्यक निर्दोष निर्दोष। अभी बहुत चर्चा हो गई, अभी पूरी जैनोपैथी नहीं सुनाऊंगा, पूरी जैनोपैथी सुन लेना, प्रवचन है एक प्रकार की, वो सुन ले सभी लोग। जितने लोग सामायिक के काल में ऐसे बैठे थे इनको स्लिप डिस्क की बीमारी होती, ऐसे बैठे 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 वो मुड़ गए, अब अपन गहरे वर्ड नस दब गई, L1 L2 में L5 में इधर नस दब गई, तो दब का है इतने ऐसे का है बैठे, फिर ऐसे बैठे जी पूरी पूरे आसन जी बैकबोन से जुड़ी हैं। आप समझ गए, इतनी देर में बता दी हमने तुम्हें पूरी जैनोपैथी को मूल। पद्मासन बैठने वाले व्यक्ति को कभी स्लिप डिस्क होती ही नहीं, सही बैठो ना। अब जिनवाणी में लिखा है सही बैठो सो हम नहीं बैठेंगे, क्या है भगवान की तो हम मान लेंगे तो छोटे नहीं हो जाएंगे, भगवान की तो नहीं मानेंगे हम सपने में, रामदेव की जरूर मानेंगे। रामदेव कहते हैं उनको सीधे बैठ जाइए, अब वो कह रहा है ओम, अब ठीक है जिन देव में का दम है रामदेव में दम है। बिल्कुल सिंपल गणित बता रहे हैं आपको, बिल्कुल सिंपल। जैनोपैथी सुन लेना, अभी उसको मैं अभी रिपीट नहीं करूंगा, रियल कह रहा हूं मैं, इतना प्रसन्न हूं इस जैनोपैथी की इन्वेंशन से आविष्कार से खोज से, मजा आ रहा है। कितना सरल हो गया हमें समाधि मनन करना, अभी हमें यही तो लगता है मरते समय तो लेने पड़ेगी, पेट में गैस बन गई तो गैस बनेगी गाय को भले आदमी, जैनोपैथी के लेक्चर सुन लो गैस बन जाए तो हमें बता दी, गैस बनने के कारण बताएं उसमें, गैस बनती है जो भोजन पचता नहीं है उसे तुम खाते जाते हो खाते जाते हो खाते जाते हो, और जैसे तुम जब पुराने मकान होते थे पुराने मकान उसमें चूना की पुताई करते थे तो 10 साल तक करते थे तो 10 साल की पर तो बन जाती थी एक के ऊपर एक एक के ऊपर एक एक के ऊपर एक, देखिएगा अभी नई पर तो उखड़ जाए तो पुरानी दिखा तो पुरानी पुरानी पुती हुई, ऐसे ही ये आंतों में ये भोजन के सड़े सड़ाए जो रह जाते हैं बचे हुए अंश पे चिपकते जाते हैं सूखते जाते हैं चिपकते जाते हैं सूखते जाते हैं, गैस बनने की जगह वो है कभी वहाँ ऑक्सीजन डाई कोई बात मशीन नहीं लगी जैसे गैस बन रही है। इसका दृष्टान देते हैं जैनोपैथी में, ये तुम्हारे भूरा पड़ा रहता है भूरा साल भर पड़ा रहे कोई बदबू नहीं आती उसमें से, लेकिन जब आए जाना उखाड़ दो या बरसात आए कैसे उखाड़ दो तब बदबू आती आती है ना, ऐसे जिस दिन वो थोड़ा उखड़ता है ना उसी दिन गैस बनने लगती है, जैसे रिएक्शन होता है सोई गैस बनने लगती है। इतना सिंपल गणित है, मैं फिर कहता हूँ जैनोपैथी सुन लो सब लोग मजा आ जाएगा आपको, लेकिन एक बार बता दूँ जैनोपैथी का मूल एक लाइन में मूल, निर्दोष प्रवृत्ति प्रमाद रहित प्रवृत्ति करो, निर्दोष अणुव्रत और महाव्रतों का निर्दोष पालन करो,
देह के रोग भी मिटेंगे और आत्मा के रोग भी मिटेंगे। अब जल्दी समझ गए, मोक्ष ही हो जाएगा। ये इतो कठिन, जो लोग मेरे से कहते इतो कठिन, इतना कठिन मैंने बोले तो बस नियम संयम रस परित्याग। तो हम कह रहे हैं ये बताओ जी कठिन है तो हॉस्पिटल में का सरल है। जब पेट का ऑपरेशन हो तो 8-8 दिन 7-7 दिन पानी की एक बूंद नहीं देते। जब अंदर के ऑपरेशन होते हैं जब ग्लूकोज चढ़ाते हैं ध्यान से, यहाँ से एक बूंद पानी नहीं देते। देखा है मैंने ऑपरेशन, अभी नहीं देखे तो देखे अब जाके 8-8 दिन। एक पंडित जी थे कस्तूर चंद जी हमारे विदिशा के, उनको ऑपरेशन हुआ था पथरी का अंदर का, डॉक्टर ने पानी नहीं दिया। तो हम जब उनसे मिलने गए तो एक ही बात कह रहे भैया भैया एक बार हम एक बूंद पानी चखा रहे हो। खूब कह रहे थे, काम प्रवचनों में कहते थे मैं अनाहारी हूँ पानी नहीं पीता हूँ, अब मुझे पानी पानी देख रहा हूँ बस दिन रात, कब पानी मिलेगा कब पानी मिलेगा। फिर एक गीला कपड़ा उनके ऑंठों पे धर देते थे, ऑंठों पे तो ऐसे जीभ लगाते थे उससे पानी, ऐसा लगता था कि अमृत एक बार कछु ना मिले पानी मिल जाए। तो अब जो सरल है वो कहे बोलो, हम तुमसे कहते भैया रस परित्याग करो, ध्यान से सुनना सभी लोग, तुम्हें कठिन लगता है और डॉक्टर परमानेंट शक्कर छुड़ा दे डायबिटीज में, तब क्या हार्ट अटैक में घी छुड़ा दे। फिर बेटा तुम व्यायाम किया करो, पंडित जी बहुत कठिन है आला साथ, हमें तो को सुबह उठ के 50-100 बैठक लगाए मत लगा, फिर फिजियोथेरेपिस्ट को पैसा देगी, फिर वो खेचेगा तुम्हारी टांग खेचे को खा कर, तुम नहीं करोगे तो वो खेचेगा। हम तो नहीं कह रहे कि तुम व्यायाम करो, हम तो दूसरी बात कह रहे तुम कुआ का जल भरो पूरी ये बेदियों की सफाई करो, देखो हाथ की व्यायाम हो गई, उंगलियों की व्यायाम हो गई, देखो पूरे जाले उतार, श्री जी को निहारो हाथों की एक्सरसाइज हो गई, सबको साष्टांग प्रणाम करो पूरे शरीर की एक्सरसाइज। अब तुम सूर्य नमस्कार कर सके और जिन नमस्कार नहीं कर सके, समझ गए सूर्य नमस्कार, अरे जिनेंद्र को नमस्कार करने में क्या दिक्कत है, लेकिन नहीं भाई ऐसे खड़े रह जाएंगे। अब पंडित जी इतनी सारी बेदियाँ इतने सारे भगवान कहाँ तक झुकें कहाँ तक झुकें, फिर पूरे ही झुक जाओगे जब बुढ़ापे में, देखें लोग ऐसे झुक जाए पूरे कह, ये झुकने की आदत बिल्कुल बचानी चाहिए लोगों, झुकना नहीं चाहिए, मैंने गलत तरीके से झुकने की बात कर रहे और श्री जी की सामने हमेशा झुका थोड़े में सब कह दिया, मुझे ज़्यादा नहीं कहना है ठीक है, कोई हम चिकित्सा नहीं बता रहे, हमें तो वो बात आई ना पुद्गल की पर्याय है ये रोग, लेकिन हमें लगता नहीं है। अभी चर्चा इसमें बहुत है, मैं तो चाहूँगा आप विस्तार करो, हमसे कराओगे तो हम कर देंगे कोई बात नहीं। क्यों तुम्हें लड्डू खाते हो तो रोग है कि भोग है, रोटी ये खाते हो बढ़िया बढ़िया ये रोग है कि भोग है, ईमानदारी से बोलो सोच के बोलो, ये तो रोग लिख रहे हैं क्षुधा रोग, क्षुधा रोग है, ले हमें तो वो जैनोपैथी में पहला कारण रोग को भोग समझना मिथ्या नाम का रोग है। क्या कह गए हम रोग को ये मिथ्या नाम का, अब हमारे यहाँ हम दवाई देके इलाज नहीं करते, पहले हम ये समझाते हैं सुनोगे आपस में कि भैया रोग को रोग समझो, रोग को रोग समझने मतलब क्या होता है, रोग को रोग समझने मतलब समझोगे क्यों, तुम्हें दवाई दी गई मीठी मीठी दवाई है शीशी वाली तो तुम कितनी पियोगे, एक शीशी वाली एक चम्मच कही मेरे एक ढक्कन कही तो कितनी पियोगे, कि पंडित जी रोग है, अरे लेकिन टेस्टी है मीठी है बस बहुत बढ़िया है पूरी खेच जाओ एक बार में, अरे रोग है समझ गए, कुछ मीठी दवाई होने पर भी जितनी कही है उतनी लेते हैं, हम कह रहे ऊनो दर करो खीर खा रहे हो दवाई की तरह खा लो, लेकिन नहीं पंडित जी आज तो अब समझ गए जलेबी जो भाजी तो जिस दिन बन गई ये तो बन गई मुश्किल से बना, बाजार में नहीं खाए उन लोगों की बड़ी आफत है, घर में ही बनाने हो घर में ही खाने तो अब जो लगती एक बेर खा लो मन भर खा ले,
अब बहुत सारी चर्चा है, हम भी दिखा गए हैं, छुदा रोग है। हम क्या कहाँ तक कहेंगे, ठंड लगना भी रोग है, गर्मी लगना भी रोग है, पसीना आना भी एक रोग है। रोग है 18 प्रकार के दोषों में पसीना आना। अब चर्चा तो बहुत दिमाग में आने लगती जब ऐसी बातें करते हैं तो, बहुत है। क्यों रोग दूर करना है, करना है किस किस को करना है रोग दूर? ठीक, कोई बात नहीं, सुनना ध्यान से। पसीना ज्यादा आना रोग है और पसीना कम आना भी रोग है। तुम लोगों को बीमारियां इसलिए होती है क्योंकि पसीना कम आ रहा है। क्यों आ रहा है? पंखा चला लिया, एसी लगा लिया, खेतों में मेहनत करने वाला पसीना गिराता है ऐसे ऐसे, बगीचे में काम करने वाला ऐसा पसीना बहाता है। महिलाएं पहले काम करती थी तो पसीना आता था, बीमार नहीं होती थी। आपको पता होगा, बुजुर्ग लोग बैठे हैं तो उनसे पूछो, कैंसर सुने थे तुमने पहले महिलाओं में? क्यों पहले कैंसर सुने थे महिलाओं, पुरुषों में, बुजुर्गों में? आज की तारीख में भी, आज की तारीख में भी जो लोहा पीटा कंपनी कहलाती, लोहा पीटा समझ गए, बैलगाड़ियों में घूमने वाली घूमंतु है, लोह गड़िया, कैसे भी नाम जो तुम्हारे नाम, सबके अपने अपने नाम है। आज तक उनमें एक भी व्यक्ति को कैंसर नहीं है, आज की तारीख तक पूरे हिंदुस्तान में एक भी व्यक्ति को। महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर नहीं है एक भी महिला को, डायबिटिक नहीं है एक भी महिला। सबसे अच्छी उम्र है उनकी और सबसे अच्छी ताकत है, और 99% उनमें कोई मोटा नहीं है, नहीं है। देखे आप डुकरिया होगी ना, डुकरिया 80-90 साल की, और तुम 25 साल के नौजवान को भिड़ा दो, दो देगी चार उल्टियाँ खाए हो और खाते क्या हैं वो तुम देख लिया, वो भी देख लिया, खाते क्या हैं वो? दूध खाने को नहीं मिलता, घी खाने को नहीं मिलता, मोटी मोटी रोटी बनाते हैं ऐसी बड़ी बड़ी, अपने जैसे रोटी बनाने लगे तो उन्हें 2 घंटा लग जाए, इतनी मोटी जाड़ी रोटी, इतनी बड़ी बड़ी। वाह, खा लिए एक दो तो पानी पी लिया छुट्टी हो गई। सबसे ज़्यादा स्वस्थ लोग हैं वो। अब मैं पूछ रहा हूँ बताओ खाने से क्या होता है, रोग क्यों नहीं हो रहे उन्हें? क्योंकि रोग मिटाने का साधन है पसीना निकलना। क्या बोल रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ? अभी ललितपुर सर, ललितपुर शिविर के टाइम हमारा सबसे ऊपर मकान था वो कमरा जहाँ हम ठहरे हुए, वहाँ कोई पंखा नहीं था, मुझे बड़ा अच्छा लगता जहाँ जहाँ हम रुके हैं, जहाँ जहाँ सबसे अपर जहाँ जहाँ रुके हैं, बढ़िया आराम से बैठे पसीना निकल रहा है बढ़िया। कहाँ दिक्कत है, बीमार क्यों नहीं होंगे? पसीना निकल गया बस। अब जी अपने को लगता ही नहीं है, अपने डॉक्टर अच्छा लगता है, दवाइयाँ अच्छी लगती हैं, और पसीना निकलना आप सोच रहे हो। अभी ज़्यादा नहीं बोल रहा हूँ, आपको रोग रोग नहीं लगता, क्या लगता है फिर? भोग, मीठी दवाई ज़्यादा खाओ, ऐसे मिठाइयाँ ज़्यादा खाओ, नमकीन ज़्यादा खाओ, तेल ज़्यादा खाओ, क्यों? अब इसकी चर्चा अभी मैं नहीं करूँ, आपको पूरा जैनोपैथी सुनना पड़ेगी, क्योंकि मैंने एक एक दिन का भोजन बताया कि एक एक दिन में भोजन को कैसे पहचानें कि आज क्या करना है और कितना खाना है, ऋतु के अनुसार कितना भोजन करना है। मेरे से एक भाई ने पूछा, पंडित जी हमने सुना कि 5 लीटर पानी पीना चाहिए, हमने पी मत लगी मर जाओ। अरे लेकिन बहुत प्रसिद्ध है वो डॉक्टर, होगा भूल करके भी किसी की बातों में नहीं आना कि 2 लीटर पानी की, 4 लीटर पानी की, 5 लीटर पानी, भूल के नहीं आना। इसके व्याख्यान को मैंने 1 घंटे में दिया है, पानी पीने का, पानी पीने की बात समझनी पड़ेगी 1 घंटे में। क्यों? मान लो आज तुमने 8 घंटा दौड़ लगाई है, खूब खेतों में काम किया है, आज तुम्हें 8 लीटर पानी पीना पड़ेगा। तुमने देखा कभी सब में सिगर जी पर्वत पर जाते जब 28-30 किलोमीटर, वो सिर्फ कितनी प्यास लगती है, कितना पानी बॉडी एब्जॉर्ब कर लेती है। अब ठंडों के दिन है, एसी में बैठे हो, 5 लीटर पियोगे तो क्या होगा बोलो? वैसे तो ने फल फ्रूट खा लिए, जूस पी लिए बहुत सारे, और 5 लीटर पानी पियोगे तो क्या होगा? और जिस दिन तुमने दाल बाफले खाए, लड्डू बाफला, अब कम पानी पियोगे तो दिक्कत है, अब पानी ज़्यादा पीना पड़ेगा। अलग अलग गणित है ना, खुद पहचानो, आप अपने आप को खुद पहचानो। जैनोपैथी कहती है
आप अपने डॉक्टर स्वयं बनो, रोज पहचानो कितना खाना है। हम रोज पहचानते हैं अपने आप को, हमें झट पता लग जाता है आज गड़बड़ हो गई, शाम को सुधार कर देंगे, शाम का गड़बड़ है तो सुबह सुधार कर देंगे, बीमार होने का काम खत्म। अब बिल्कुल गर्व से कह रहे हैं, बिल्कुल प्राउडली, हमें कभी एक दिन भी तुम आईसीयू में नहीं देखोगे, किडनी का बहुत हार्ट मार्ट, हाँ बिल्कुल मस्त रहेगी हमारी, बिल्कुल अभी भी चाहो तो चेक करा ले। ये कॉन्फिडेंस आना चाहिए। हम भोजन को रोग की तरह ले रहे, बहुत टेस्टी है तो ज़्यादा खा ले, खिलाने वाले और खाने वाले ऐसे करते ए बहुत बढ़िया बनी आज तो, ले ली एक और ले, एक और ले ली। गणेश प्रसाद जी बड़ी भोजन करने बैठे, उन्होंने मगध के लड्डू बनाए, एक खिला दिया, ए बड़े भाव से बनाए, कितने दिन बाद तो आए, फिर कब आने होगी तुमरो, एक और ले ली। तो उन्होंने लगी बार अब दो लड्डू खा गए और तो सामाई करने बैठ गए। अब उन्हें नींद आई, नींद आई सामाईक में, तो उन्हें समझ में आ गई आज अपने लड्डू दो खा लिए, गरिष्ठ भोजन हो गया, ज़्यादा भोजन हो गया और इसीलिए नींद आ रही। उन्होंने एक महीने के लिए मिठाई का त्याग कर दिया। ये राग बुरा है, ए बड़े भाव से बनाए थे, हम तो कह रहे तुमने अभाव से बनाए, भाव भाव से बना चाहे भाव से, हमें जितना लेना उतना ही लेंगे, ज़्यादा नहीं लेंगे। सही में अभी एक इच्छा तो ऐसी हो रही है, जैनोपैथी पूरी सिखा दी, प्रेम करुणा होती ना, प्रेम होता है तो ऐसी याद आती है, हम कह ही सकते हैं आप पूरा सुन लेना, बिल्कुल गलती नहीं करना, बंद नहीं करना। हम एक दिन भी सबको कह रहे हैं, इनमें से एक भी आदमी ऐसा नहीं जो बीमार होने लायक, और फिर भी बीमार हो जाओ तो हम कहाँ करें। हमारी जैनोपैथी में लिखी बहुत अच्छी, तो हमें सरल पड़ता है इसलिए जैनोपैथी कहता हूँ। हमारे जैन धर्म में उसका नाम है परम आरोग्य विज्ञान, वीतराग विज्ञान होता है ना ऐसा, परम आरोग्य, परम आरोग्य केवल ज्ञान और मोक्ष हो जाए वो परम आरोग्य। छेपसम क्या है? बीमारी की दशा है, छेपसम है ना तुम्हारा जी, औदिक भाव क्या है? ये बीमारी की दशा का नाम है। सुनोगे तुम लोग, जैनी लोग बुरा खा के बीमार नहीं होते, अच्छे भोजन को बुरे तरीके से खा के बीमार होते। क्या बोला हमने, क्या बोला अभी किसी को कहो, ए हम तो भैया पिज्जा नहीं खाओ कमाऊँ, हमने तो वो भी नहीं खाओ बाजार की चीज़ें, तुम यही तो दुनिया क्या समझाती है आपको, बीमार इसलिए हो रही बाजार की चीज़ें खा रहे, फिर जैनी लोग क्यों बीमार हो रहे? जैनी लोग बीमार क्यों हो रहे, कारण क्या हो सकता है? एक ही कारण है, बोलो, अच्छे भोजन को गलत तरीके से खाना। क्या पता मेरा विषय बदल ही रहा है, मैं नहीं चाह के भी बदल रहा है वो, बता दें दो चार बातें आप सुना ही दो अब तुम्हें जी सर। अब हालांकि पूरा तो बता नहीं मैं, लेकिन अब जितनी कह रहे हो उतनी समझ लो। खीर कभी चम्मच से मत खाना यदि स्वस्थ रहना है। अपन क्या करते हैं, टेस्टी खीर मीठी मीठी और मलाई रबड़ी बन गई, घोट के बढ़िया खीर और चम्मच एक मिनट में एक कटोरा साफ, एक कटोरा खीर खाने के लिए कम से कम 15 से 20 मिनट लगने चाहिए, अब आप बीमार नहीं हो। अब जी बोरिंग लगेगी, बोरिंग 20 मिनट कैसे खाएंगे बता दे रहे, एक चप एक उंगली से। चार प्रकार के आहार में एक ले आहार है, चाटने वाला जो ले आहार है खीर, अब हम कैसे खा जाते हैं? और कई बार तो क्या करते हैं लोग, कटोरा से पी जा सीधा ही पी गए, बहुत बढ़िया, बीमारी की जड़ समझ में आ गई। अच्छा भोजन भी शुद्ध भोजन भी गलत तरीके से खाने से बीमार हो गए फोकट में। रजगिरा को लड्डू इतना बड़ा बनाए और तिल्ली को इतना सा बनाते, सिकड़ो सिकड़ो ऐसा बना, एक आदमी की एक दिन का औषधि इतना ही बड़ा लड्डू है। लेकिन वो आदमी क्या कह रहे थे, कोच हवाए दूध में घोर दो चार लड्डू और फट पी गए। अब ये लड्डू तुम्हें बीमार करेगा। दलिया, दलिया खाने की विधि है तीन उंगलियों से खाओ, धीरे धीरे खाओ। इसने कहा करो जब नई भात है तो घी शक्कर और डाल के टेस्टी बनाओ है बढ़िया, और चम्मच से फट फट सटका गए, और नहीं तो दूध डालो घोरो और पी गए।
अब इसमें दूध भी नुकसान करेगा और दलिया भी नुकसान करेगा, दोनों ओवरलोड करेगा इधर आगे, क्योंकि दांतों का जो काम था, सिलाई व लार का जो काम था, वो आंतों को करना पड़ रहा है। जो यहाँ लार ग्रंथि यहाँ मिक्स होनी थी, अब वो वहाँ डबल रस बनाने पड़ेंगे उसके लिए। अब आपकी किडनी फेल होएगी, अब आपकी क्या कहलाती है, आंतें फेल होएंगी, अब फोकट में बीमार हो गए। बच्चों की बीमारी की मूल जड़, बच्चों में अस्थमा की बीमारी होती है अम्मा की कृपा से, इसलिए उसका नाम है अस्थमा। अब तो पूरा विषय ही बदल गया हो, और अध्यात्म तो नहीं रहा, फिर तुम्हें खाने पीने की बात बताएंगे। बच्चे खाते नहीं हैं, और आयुर्वेद में भी लिखा है और जैन धर्म में तो लिखा ही है कि जब तक इच्छा ना हो खाइए मत। स्वस्थ रहने का सूत्र है, जब तक इच्छा ना हो किसी भी चीज़ की, किसी भी चीज़ की, जैसे तुमने देखा है भैया चना खा लो, भाई इच्छा मत खाओ, एक केला ही खा लो, नहीं खा रहे भैया, तो तुम बोलो क्या बना दे, दलिया बना दे, नहीं इच्छा नहीं तो मत खाओ। नहीं खाते ही आज की रात भर में 12 घंटा में बीमारी जो भी होगी चली जाएगी, और कल सुबह तुम्हें खाने की इच्छा होने लगेगी। जितने बच्चे सॉफ्टवेयर की नौकरी कर रहे हैं उन्हें खाने की इच्छा ही खत्म हो गई, जितने बच्चे 12 घंटा बैठकर जॉब कर रहे हैं एक्सरसाइज नहीं है, उन्हें ना सुबह भूख लगती है ना शाम को भूख लगती है, लेकिन अम्मा कहती बेटा खा ले रात हो जाएगी, अब चल ले आओ, फटफट खा गए वो पी गए। बच्चों को भी इच्छा नहीं है, आप बिल्कुल मत खिलाइए, शाम को 3 साल को हुआ रोटी नहीं खा रहा, मत खाने, मत खाने दो, तो साहब फिर कब खाएगा वो, अरे बच्चा रोटी नहीं खा रहा है कोई बात नहीं, एक रोटी पानी में भिगो दो, छान लो, आधा घंटा बाद 15 मिनट बाद उसको उसका पानी चम्मच से पिला दो, बस उसको आटे का रोटी का पोषक आहार पहुंच गया, नहीं खा रहा अब तो पहुंच गया, दूध पी रहा है पर्याप्त तो भोजन है दूध, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मम्मी क्या करती है, आपने देखा होगा, एक तो बच्चा खुद नहीं खाता तो अम्मा एक हाथ से पकड़ते वो खिला जाए, ए पापा को मम्मी को, एक कटकू कुटकू का खेल देता, एक दादा को। अब वो बच्चा तो खाता नहीं, तो वो क्या करते हैं, दाल के पानी में या किसी दूध में या दही में छाछ में मैश कर दी रोटी, सत्यानाश। अब जबरदस्ती छटका रहे भाई, वो खाना नहीं चाहता, जबरदस्ती खिला दी, अब इसी बीमारी से फोड़े निकलते हैं, यही रोटी खिलाने से बच्चों को फोड़े निकलते हैं, इसी से सर्दी हो जाती है बच्चे को, इसी से खांसी चलती है सूखी खांसी, और इसी से उसके अस्थमा की बीमारी हो जाती है। अस्थमा की मूल जड़ है गली हुई रोटी खाना खिलाना। अब कितनी छोटी सी बात है, मुझे इतनी दया आती, जिस दिन मैंने पढ़ाया था ये सब, मुझे इतनी दया आ रही थी कि काश पूरे हिंदुस्तान के बच्चों के बेचारों पर कैसे बताऊं कि ऐसे मत खिलाओ। तो बच्चों को कैसे खिलाना चाहिए कि बच्चे को इतना सा टुकड़ा रोटी का ले लेता, देखा होगा आपने, और मुंह में लेता है, निकालता है, निकालता है, लेता है, निकालता है, लेता है, एक आध टुकड़ा खाता है, बस ये भोजन सबसे अच्छा है उसका, दी बेस्ट भोजन तरीका है, दी बेस्ट। आपने देखा उसको आप एप्पल दे दो इतनी सी कली, बार बार चूसता है वो, ये दी बेस्ट तरीका खाने का। बच्चा आप उसको एक रसगुल्ला दे दो, गुलाब जामुन, देखा है आपने बच्चे कभी भी सीधा उठा के नहीं खाते, कभी नहीं खाते, बच्चे को मालूम है दी बेस्ट तरीका, इतना इतना सा 2 उंगलियों से खाता है। अम्मा मुझे लगे तू 15 मिनट तक खाते ही रहेगा, आधा घंटा तक, हाँ तू जल्दी कर हाथ धो, हम जल्दी जल्दी भाई मसल के रसगुल्ला को पानी छठी। अरे सही बता रहा हूँ आपको, रसगुल्ला एक खाने की विधि यही है 2 उंगलियों से, हलवा खाया जाता है 2 उंगलियों से, चम्मच से नहीं, 2 उंगली के बीच में जितो आ था उतो खाओगे तो हलवा कभी नुकसान नहीं करेगा आप। ये मैंने खाने पीने की पूरी इतना ही है जैन शासन में और कुछ नहीं, फिर पंडित जी हम ज़्यादा नहीं खा पाएंगे, यही तो हम चाह रहे ज़्यादा नहीं खा पाएंगे, 3 कटोरा खीर पी गए कब फायदा नहीं, एक कटोरा खीर एक उंगली से खाओ और तुम्हारी भूख मिट जाएगी, पक्की बात है, 15 मिनट पेट भर जाए पक्की बात, और ना तुम्हें कभी कोई तकलीफ हो तो कह देना कोई तकलीफ नहीं होगी, बिल्कुल इतनी बढ़िया चीज़ बता रहे। मैं भोजन करने इसलिए घर नहीं जाता हूँ, सबको ऐसा लगता है भोजन करने क्यों नहीं आते, कि हम जब बैठते हैं ना बिल्कुल रिलैक्स, और कम से कम मुझे 1 घंटा लगता है घर में,
अपने काम में। अब कुछ काम तो रहता नहीं, वेद विज्ञान करते जाओ, खाते जाओ, अपने का दिक्कत। अब तुम्हें खाने पाँच मिनट में, तुम्हें भगने दुकान पाँच मिनट में निपटो, पाँच मिनट में। मैं पूछता कहीं लोग कितनी देर में रोटी रोटी खाते हो, फट 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 खा लिए, और नहीं भा रही है तो घोल के पी गए। फिर तो समझ लेना, छाछ में रोटी गला के किसी को नहीं खाना चाहिए। रोटी खाने का तरीका है, सीधी रूखी रोटी मुँह में डालो, फिर दाल सब्जी, सूखी सब्जी हो तो उससे खा सकते हो आप, चटनी से खा सकते हो, दाल अलग से पियो, कड़ी अलग से पियो आप पीने वाली, उसमें गला के मत खाओ। कम खाओगे पूरी ताकत होगी, बिल्कुल ये बीमारी नहीं होगी। अब इतना टेलर दिखा दिया आपको, घी खाना है किसी को? जरूर खाना चाहिए। मई जून की गर्मी हो, मई जून की गर्मी हो, और उपवास करना है, निर्जल उपवास, निर्जल। कौन से महीने में सबसे ज़्यादा गर्मी? 40-45-50 टेम्परेचर, उपवास करना है, कर सकते हो आप। एक दिन पहले शाम को भोजन मत करो। लोग तो उल्टो करे, अब कल दिन भर नहीं खाने तो आज ढूंस लो। बिल्कुल नहीं, एक दिन पहले शाम को भोजन नहीं करो, सूप पियो केवल, रसीला भोजन करो, दूध पी लो, रसीला भोजन कर लो, सूप पी लो, और साथ में 50 ग्राम घी, 50 ग्राम गर्म करके, और एक एक बूंद ऐसे खा लो, एक एक बूंद, एक एक बूंद, समझ गए? चल जैसे तुम लेते हो गंदोदक, ऐसे ले तो गंदोदक ऐसे ऐसे खाओ, क्या मजाल अगले दिन तुम्हें कोई पित्त भड़क जाए, क्या मजाल अगले दिन तुम्हें प्यास सताए, कुछ नहीं होगा। अब बताओ कितना सरल तरीका है। इसलिए हमें फिर कह रहे, अब तुम ये कहोगे कि पंडित जी तुम कहाँ से ले आए ये बात, तो मैं फिर कह रहा हूँ ये जैन ग्रंथों में से ही पढ़ा है मैंने। चरणान योग पढ़ के देखो यार, चरणान योग हमने पढ़ के ही नहीं देखा अच्छे से, हम उन्हें जानकारी की तरह पढ़ते हैं, हम प्रयोग की तरह नहीं पढ़ते। सब लिखा है, समझ में आया? तो विचार करना, चलें आगे ले लेंगे। हाँ भाई, 2:30-3:30 की उस हिसाब से तो टाइम हो गया, लेकिन अपन अभी पढ़ेंगे थोड़ा सा, ले लूँ कि नहीं लूँ? ले लूँ। जिसको कहता मानता नहीं, जिसको कहता तू रोग, जिसको कहता तू मूर्ख बड़ा रोग है, वह तो पुद्गल की क्षण वर्ती परे आए है, क्षण वर्ती। समझ में नहीं आई होगी कच्ची बात, ये तेरा अनादिकाल का रोग है, तूने उसकी चिंता नहीं करी। आत्मा का अनादिकाल का रोग है मिथ्या, अनादिकाल का रोग है अज्ञान, अनादिकाल का रोग है असंयम। देह की जितनी चिंता करते हैं इतनी आत्मा की नहीं करते। तो साहब पंडित जी आत्मा में क्या करें? सुन लो सभी लोग, बहुत काम की बात। अरे अनादिकाल से तूने अपनी महिमा नहीं की, ये पहला रोग है, पहला रोग, तू अपनी महिमा कर कि मैं भगवान। दूसरा सबसे बड़ा रोग कह रहे हैं अनादिकाल का, जे रोग में कहता हूँ, बुखार आओ उतर गए, खांसी आई चली गई, सर्दी वही चली गई, जहाँ में कहा दमे तू मूरख, मूरख कह रहे, मूरख कहता बड़ा रोग है, मूरख मूरख आदमी कहता ये बड़ा रोग है। सबसे बड़ा रोग कौन सा है? मिथ्यात। तो मिथ्यात कहने से मजा नहीं आता, हम उसको बता रहे, हाँ अनादिकाल का रोग है, तू निर्दोष गायक को दोषी कहता है। क्या कह रहे हैं हम? मिथ्यात, मिथ्यात को खाली स्थान है जी, मिथ्यात हटा के बोलो उल्टी मान्यता। मतलब जब देखो जब तुम अपने को टॉर्चिंग दे करते हो, टॉर्चिंग क्यों, कोई तुम्हें टॉर्च करे तो, टॉन्टिंग करे, कमेंट्स करे, टॉर्च करे, क्या बोलते हो आप लोग, कटाक्ष करे, कैसा लगता है? तुम्हें पता है तुम्हारा सबसे बड़ा रोग है, दुनिया में तुम्हें सबकी महिमा आती है, अपनी महिमा नहीं आती है, और इस महिमा को तुम क्यों नहीं आती, निर्दोष होने पर भी दूसरों के दोष का माथा अपने ऊपर दे देते हो। कहा बताए पंडित जी, हमारी बहुत बड़ी गलती है। क्या गलती है? हम ऐसा खा लेते तो खांसी ना होती, ये गलती है। हम कह रहे तुम खाने वाले नहीं हो, ये नहीं मान रहे इसलिए खांसी बीमारी हो रही है। एक बात बोलूं, छोपसम ज्ञान की जरूरत है नहीं स्वस्थ होने के लिए,
पशुओं ने अपने क्षेत्र का दुरुपयोग नहीं किया, वे सब स्वस्थ। क्या बोला? पशुओं में तुम जैसा क्षेत्र नहीं, तुम जैसा, और स्वस्थ हैं सारे सारे, और एक भी पशु ने अपनी सीमा का उल्लंघन नहीं किया। बकरी जो पत्ते खाती वही खाती, गैया जो खाती वो वही खाती, उसने उल्लंघन नहीं किया। और आदमी तो अब क्या कहते हैं, इस आदमी की इतनी सड़ी कहानी है, इसका बस चले तो सबका सुअर का भी माल खा जाए, सब खा जाए, यानी क्या क्या खा जाए। क्यों? पशुओं का भोजन कितना लिमिटेड है, कितना लिमिटेड है, वो अपना कोई होश ही नहीं। कुछ विक्षिप्त पागल लोग, विक्षिप्त पागल लोग, एक को भी कोरोना नहीं हुआ, एक ने भी मास्क नहीं लगाया, पागल पागल लोग कह रहे हैं, पूरे हिंदुस्तान के पागल लोग, न उन पर 500 रुपये का जुर्माना लगा, न वे वैलेंटाइन हुए, क्या कहला था कौन क्वारंटाइन, न वे क्वारंटाइन हुई और क्या होता है, और क्या कर? सड़कों पे पागलों ऐसे घूमते रहे, एक भी भूखा नहीं मरा, एक भी बीमारी नहीं, हार्ट अटैक नहीं, ब्लड प्रेशर नहीं, कैंसर नहीं, एक भी पागल को। कुछ कह रहा हूँ तुम सबसे, हम समझदार हैं इसलिए दुखी हैं। क्या कह रहे हैं? हम ओवरवाइज, ज़्यादा समझदार होने से दुखी हैं। नहीं नहीं पंडित जी, हमने सुना है इतनी प्रोटीन जरूर लेना चाहिए, इतना मैं नहीं जानता नाम नाम क्या क्या, इतना नमक जरूर खाना चाहिए, नमक और क्या क्या खाए, प्रकृति में नमक खाने की ज़रूरत ही नहीं किसी को, प्रकृति में नमक खाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि उतने लवण फलों में सब्जियों में ऑटोमेटिक मिलते हैं। त्रियंत्रियति नमक खरीद के ले जाती है कहीं, कहाँ खाती हैं भी? लेकिन हम बेफिक्र, सच कह रहा हूँ, पशुओं में इसलिए असंख्या सम्यक दृष्टि हैं और असंख्या पंचम स्थान बढ़ती, और मनुष्यों में गिनती की हैं, क्योंकि हमारे पास ज़्यादा दिमाग है खाने पीने का, उनके पास उतना ही दिमाग है, वो काम को है बस, थोड़े में कह दिए बहुत, बहुत मुसीबत है जनक। हाँ सबसे बड़ा रोग, हम जब देखो जब निर्दोष होने पर भी शरीर के दोष भी अपने माथे ले लेते हैं, क्या बताएं हमारी गलती हो गई, बच्चा बिगड़ गया, जाए हम सोच रहे थे ऐसे कर देते ऐसा हो जाता, जबरन जबरन, बत्तख बत्तख में पानी में तैरने वाली मछली वगैरह, ये किसी को कुछ नहीं सिखाती, वे सब अपने आप सीख जाते। आचार्य कहते हैं चार संज्ञाओं का प्रयोग पूर्ति ये मनुष्य अपने आप कर लेगा, सारे जानवर अपने आप कर लेते, तुम भी अपने आप कर लोगे, सिखाने की जरूरत नहीं है। लेकिन आज की तारीख में देखा जाए तो चार संज्ञाओं की मोबाइल चल रहे हैं उनको, खाने पीने का प्रचार, भय के प्रचार, रोग आदि के भय आदि आदि, और ये सब के प्रचार चल ही रहे पूरे पूरे चारों संज्ञाओं की, सिखाने की जरूरत ही नहीं है। जिसको कहता तू मूर्ख, बड़ा रोग, बड़ा रोग बोलो कौन सा है, बड़ा रोग जो समझ में नहीं आए वो भाषा तो है मिथ्या है। अपन इतने पक्के हो जाते हैं मिथ्या सुनते जाते, हाँ बिल्कुल भाई मिथ्या, क्या तो मिथ्या दृष्टि की, हाँ पक्की। अरे भले आदमी, मिथ्या से एक रोग है, क्या रोग है कि निर्दोष होने पर भी सदोष मानता है, अकर्ता होने पर भी कर्ता मानता है, शुद्ध होने पर भी सही बताओ ईमानदारी से, अब कोई को रोग थोड़ी समझ में आ रहा है। जो जैनोपैथी में मनोविज्ञान, मनोविज्ञान समझते, वैज्ञानिक कौन सी बीमारी थी, मन की बीमारी होती है, मनोवैज्ञानिक बीमारी, साइकोलॉजी की बीमारी है ना, साइकोलॉजिकल मिथ्या साइकोलॉजिकल की बीमारी है, उधर साइकोलॉजिकल, जैसे कई बार महिलाओं को एक साइकोलॉजिकल रोग हो जाता है, पता नहीं हाथ धोए कि नहीं धोए, अब इधर धोए थे कि नहीं धोए, और छू गए, और एक साइकोलॉजी हो जाती छू गए छू गए छू गए छू गए, पता नहीं हाथ धोए कि नहीं धोए, तो एक ऐसा हो जाता है साइकिल। तो इस साइकोलॉजी का इलाज है समझाना, वस्तु स्वरूप का यथार्थ निर्णय, ठीक है। मैं खरिया दाना की सुनाता हूँ आपको, मैं मंदिर से निकला और भोजन करने जा रहा था, इतने दिन बगल में से एक मेहतर
चौड़ी झाड़ू, झाड़ू तो समझ गए सड़क पर जो झाड़ू लगाते हैं वो चौड़ी, तो साइकिल में फंसा रहते हो ऐसे, तो आगे तो बांस और पीछे वो फैली हुई, समझ गए हो चलते समय। तो अब मेरे बगल में से निकला बिल्कुल बिल्कुल बगल में से, तो मुझे लगा कि एक आध सीख तो झाड़ू की हमसे लगाई गई हुई है पक्की, लगाई गई होगी। तो जैसे ही वो मेरे बगल में से निकला उसे मैंने देखा तो मैं एकदम मेरे कदम रुक गए, मेरे भैया अब तुम लोग जाओ हम चेतन बाग वापस जा रहे। तो हमारे पीछे अमित बोधी वगैरह भैया जैसे विदिशा वाले सवार थे पीछे पीछे, मैंने कहा भोजन का नहीं कर रहे हम, ये अशुद्ध हो गए अब हम जा रहे, कपड़ा बदलेंगे शुद्ध होंगे ना ही धोएंगे। तो बोले अशुद्ध नहीं हुए, कहाँ से अशुद्ध हुए, मैंने वो झाड़ू वाला निकल गया वो। तो बोले हम पीछे से देख रहे थे बिल्कुल बाल बाल बच गए बिल्कुल नहीं लगी समझ में, तत्काल हमें लगा हम शुद्ध हैं चलो चलो भोजन करें। अब क्या करें, एक कितनी साइकोलॉजी है अशुद्ध होने की अशुद्ध होने की। आचार्य देव ने पूरे द्रव्यान योग में एक परम उपकार किया समय सार जी में, अरे रे तू बाल बाल बच गया, मिथ्यात ने तो कसर नहीं छोड़ी, ने कर्मों ने कसर नहीं छोड़ी थी, औदिक भाव ने कसर नहीं छोड़ी थी, बिल्कुल तेरी मट्टी पलीत कर रहे थे, लेकिन एक बात है एक बात, तू त्रिकाल करनी सो न्यारा, हुआ तो बहुत कुछ है लेकिन तूने किया नहीं है, हुआ योग्यता से है तूने नहीं किया, ये बात सुनते से कितनी आनंद आने चाहिए। इस मिथ्यात का रोग का इलाज है साइकोलॉजी, क्या कहलाती है तुम्हारी पे साइकोलॉजी बीमारी, साइकोलॉजिकल बीमारी है, हमें लगता है बस हम तो अशुद्ध हैं बस काहे, क्यों सही बताना सब लोग, भगवान आत्मा त्रिकाल शुद्ध लग रहा है कि अशुद्ध लग रहा है, ईमानदारी से बोलो तो हम बात करें यहाँ से, इतने से नहीं कहो अपने कहा लग रहा है, क्योंकि जैसे आप त्रिकाल शुद्ध मानोगे तो ये मानना पड़ेगा आप सम्यक दृष्टि हो, सम्यक दृष्टि हम सम्यक दृष्टि नहीं है वो तो हो ही नहीं सके। तो क्यों ये त्रिकाल शुद्ध मान रहे, अकर्ता मान रहे, शुद्ध मान रहे, जान रहे कि मान रहे, जानना अलग बात है मान रहे हो। पंडित जी का बताएं वैसे तो हम बहुत बढ़िया हैं, पहले से बहुत सुधर गए, पहले से अच्छे खाते हैं, पहले से अच्छे बोले थे, पहले से अच्छे पूजा पाठ करे थे, पहले से अच्छे एक गारंटी बहुत अकेलाती हो सारे, परंतु बस एक बात है अब भी वो परिणाम नहीं रुक रहा, वो खान पान कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ सबके पास फंसी गाड़ी, और हम कह रहे हैं भैया आत्मा खाता ही नहीं है, तो खाता हूँ ये विकल्प लाए कहाँ से तुम, क्या कह रहा हूँ कौन कौन खाता है, खाते हो रोटी बोटी खा लेते हो, बोलो नहीं खाती, अब कहने में कैसी हिम्मत लगती है, इसका मतलब हम इसके परिणाम को अपना परिणाम मानने बैठे, आत्मा ने खाया हो तो बता दे, आत्मा ने पिया हो तो बता दे, आत्मा ने शादी करी हो तो बता दे, तुम्हारी आत्मा भाई ब्रह्मचारी है, क्योंकि ब्रह्म तो है ही, आत्मा ब्रह्म तो है ही, जानते से ही आनंद हो तो ब्रह्मचारी, ओ शादीशुदा कहीं ब्रह्मचारी हो सके, शादीशुदा भी ब्रह्मचारी होती है भाई साहब, क्योंकि ब्रह्म तो है परमात्मा तत्व तो है ऑलरेडी है, बस जानते से आनंद आ गए ब्रह्मचारी, ब्रह्मचारी माने अपने ब्रह्मचारी के नाम पे एक हिंदुस्तान का मॉडल सिर घोटो और दुपट्टा वाले भी ब्रह्मचारी होती है। सोचो जरा शांति से इस देश से भिन्न देखो जरा, इतना काम कर लो आज से ही, तो आज से कुछ करना ही नहीं, फिर कह रहा हूँ सम्यक दर्शन करने इसलिए सरल है कि इसमें करना बदलना दो बार, करना बदलना और सोचना कुछ नहीं, नहीं समझ में आई होगी मुझे पक्का पता, तीन बातें कह दी, क्या कह दी सम्यक दर्शन क्यों सरल है, क्यों क्योंकि ब्रह्म है सो है, न विचार बदलना है न कुछ करना है और न कुछ बदलने हैं, कुछ करना ही नहीं है, कुछ भी है बस है। दृष्टांत देके छुट्टी कर दी क्यों, कोई व्यक्ति
कांच को हीरा मान, हीरा को उल्टा कर दो, हीरा को कांच मानता था तो मिथ्या दृष्टि, अब हीरा को अब सम्यक दृष्टि कर बिगला दिखा करने वाले नहीं समझ गए, उल्टी मान्यता मिथ्यात्मा ने, मिथ्यात्मा ने उल्टी मान्यता, तो वो हीरा को कहाँ समझता था तो मिथ्यात्म हो गया। अब आज सम्यक दृष्टि हो बिगला कितने व्रत करने नहीं, कितने उपवास करने नहीं, नहीं पानी छानने पड़ेगा तो तीर्थ यात्रा करने पड़ेगी नहीं, माला पहनने पड़ेगी, बता भाई हीरे को कांच मानता है मिथ्या, तो अब सम्यक दृष्टि होने के लिए क्या करना है जल्दी बोलो, ना कछु करने ना धरने ना बदलने ना व्रत ना उपवास ना नियम ना संयम ना यात्रा कछु नहीं करने। ए हीरा को कांच माना था लेकिन तुम्हारे मानने से हीरा कांच नहीं हुआ, ओ गजब हो गया, हीरा कांच नहीं हुआ अर्थात हीरा हीरा ही रहा, बस इतने समझ में आते से सम्यक दर्शन। आत्मा अनादि से, तुम नहीं माना था हम पुरुष हो गए स्त्री हो गए, हो गया, तुम नहीं मानी थी हमने रोटी खाई, पंडित जी हमारी बहुत आसक्ति है बहुत खाऊ, तुम आत्मा को नहीं जान रहे इसलिए बोल रहे, आत्मा ने हाँ फिर बोलो आज तक खाई। अब जब पंडित जी जब मंदिर में ही अच्छी लगत ये बात है, उन्हें जिनवाणी में अच्छी लगत, हम तो हैं ही बे कौन बे जबरन जबरन सतोर विशेषात सम्यक दर्शन कहते सूत्र है वो सतोष है कि नहीं, वो पता कोई अपनी माँ को माँ नहीं मानता, स्त्री मानता पत्नी मानता है, तो अब करने का है हमें, रस्सी को सर्व, रस्सी को सर्व मानता है तो भाई मिटाने के लिए क्या करना है भैया, तंत्र मंत्र दंड तावीज कालो धागा बांधो, हे रस्सी को कितना सरल दृष्टांत दिए सम्यक दर्शन की, बोलो भाई सम्यक दर्शन करके जाने की अभी भी छोड़ के जाने, पंडित जी प्रवचन अच्छे हैं बढ़िया हम सुन रहे, कबू ना कहूँ रस्सी आवत जात के सिर पर पड़े निशान, तो कहते हैं कबू ना कहूँ सम्यक दर्शन हो जाए, हम कह रहे कबू नहीं हुई है, इतना सरल इससे सरल कौन कहेगा, अभी भी हमें यही लगता है कपड़ा शुद्ध पहनेंगे तब सम्यक दर्शन हो, खाएंगे तब शुद्ध हो, फला काय को लगे तुम समझ में आ गई, अब इससे सरल कुछ नहीं हो सकता। हाँ सबसे बड़ा रोग है हाँ अपने को भगवान नहीं दिखते, अकर्ता को अकर्ता नहीं दिखती, ज्ञाता को ओम नमः सत्य, देखना भाई और क्या करेंगे।